गडरा रोड उपखंड क्षेत्र में पिछले दिनों आई भारी बारिश की वजह से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ताणु राव जी विद्यालय के कमरों की पट्टियां टूट गई हैं और दीवारों में भी बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। ऐसे में विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र व छात्राओं को हरदम डर बना रहता है। वहीं विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापकों व अभिभावकों को भी हरदम अनहोनी का डर रहता है। आपको बता दें कि 2006 में आई बाढ़ के समय में भी विद्यालय पूरी तरह पानी में घिर गया था और 2 महीने तक पानी में घिरा रहने के कारण विद्यालय की नींव भी कमजोर पड़ चुकी है। 2006 की बाढ़ के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी गांव का दौरा किया था व अधिकारियों को विद्यालय भवन को मर्ज करने का मौखिक आदेश भी दिया था, पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। 2006 में बाढ़ आई थी, तब वहाँ पर पानी आया था बहुत, और इतना पानी आया था उससे 2-3 चीने टूट गई है। और पहले वहाँ पर खाना खिलाते थे बच्चों को, और वो भी यहाँ पर अब 1-2 क्लास के आगे खिलवाते हैं, और वहाँ पर चीने टूट सकती है, वहाँ पर मार्ग भी बंद कर दिया है और बच्चों का खतरा रहता है, और जल्दी से जल्दी वो बनाए। सर, समस्या ये है कि जो पहले की जो बिल्डिंग है वो बहुत पुरानी है, और 2006 में पहले बाढ़ आई थी, लेकिन अभी जो भारी बरसात हुई है इन दिनों में, उसमें समथिंग 3-4 जो चीरी है वो बिल्कुल टूट चुकी है, काफ़ी सारी दरारें आ चुकी है, और उससे क्या बच्चों को खतरा है। पहले क्या है कि क्लास के जो बच्चे थे टॉयलेट वगैरह के लिए जाते थे बाहर, तो उसी में होके जाते थे। पहले वहाँ खाना भी खिलाया जाता था, पोशार जो चलता था वो बरामदे में बैठ के बच्चे अच्छे से खा लेते थे, लेकिन अभी बरसात भारी हुई इस वजह से क्या नाम से चीड़ियाँ ज़्यादा टूट गई और बरामदे में से पानी ज़्यादा आने लग गया, तो अभी बच्चों को खतरा भी है। इसी वजह से क्या नाम से हमने वहाँ की व्यवस्था को दूसरी जगह करके अभी क्लासरूम के आगे क्या नाम से बच्चों की व्यवस्था की है भोजन बनाने भोजन वगैरह खाने के लिए, तो इसलिए क्या नाम से ज़्यादा खतरा है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। हमने कहीं जगह पूछा गाँव में तो किए कि 2006 में जो बाढ़ आई थी उसके बाद में ये स्कूल जो पुराने भवन थे ये सब बंद कर दिए गए, अभी कुछ 1-2 भवन चालू थे उनमें भी वापस दरारें आ चुकी है। जी सर, सुनने में मेरे भी आया कि 2006 में बाढ़ आई थी, और बाढ़ इतनी आई थी कि गांव वालों को बताना है कि भाई 7-7, 8-8 फीट पानी आ गया था, ज़्यादा पानी आ गया था, तो पुरानी जो बिल्डिंग है वो सारी डैमेज हो चुकी है, और डैमेज की कंडीशन ये है कि क्योंकि अभी तो व्यवस्था जैसे हमारे हमने चला रखी है, 2-3 हॉल जो नए बने हैं उनमें बच्चों की क्लासें वगैरह चल रही है, लेकिन जो पुराने हैं वो है उनमें हमने बच्चों को बिठाना बंद कर दिया है, और पानी पूरी तरह से जब बरसात आती है तो पानी पूरी तरह से आता है उसमें, इस वजह से हमने उधर की व्यवस्था बिल्कुल बंद कर रखी है बच्चों के लिए। लेकिन फिर भी छोटे जो बच्चे हैं ध्यान रखते हैं हालांकि, लेकिन फिर भी जैसे छोटे बच्चे हैं काफ़ी बार खेलते कूदते मान लो पानी पेशाब जाते हैं तो भी उधर से होके जाते हैं। गड्डर रोड उपखंड क्षेत्र के विद्यालय भवन की नींव धंसने से दीवार में दरार पड़ रही हैं, वो पट्टियां टूट चुकी हैं जो कभी भी हादसे का कारण बन सकती हैं।